अब यहाँ हुकूमत वो कानून बनाने वाली हुकूमत तो नहीं रही, हुकूमत बदली जरूर है लेकिन कानून वो अपनी जगह में बाकी है, बना हुआ है, जैसे बना था वैसे बाकी। जब तक वो कानून खत्म ना हो या उसकी दफात हल्की ना की जाए उसके अंदर कोई तरमीम नहीं है। कुछ लोगों ने मुमकिन है ऐसा समझ लिया है कि हुकूमत बदलने से कवानीन भी बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो कानून असेंबली में पास होकर कानूनी दर्जा इख्तियार कर जाता है दोबारा उसको उसी प्रोसीजर से खत्म करना होता है, वो कानून बाकी है। बाद पॉलिसियां हैं वो बदलती हैं, बहरहाल ये कानून अपनी जगह में बाकी है। तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने साथ रहने वाले मुल्की और बरादराने वतन के जज्बात की भी कदर इस हद तक करें कि अपने मजहब पर अमल करते हुए उनके जज्बात की भी हिफाजत हो जाती है। तो भाई आज की ये इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमा कर्नाटक और शहर के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र उलमा इकराम की के साथ मुनाकिद की गई है, जो आने वाले कुर्बानी से मुतालिक है। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना एजाज अहमद साहब नदवी, वो जमीयतुल कुरैश चार मीनार मस्जिद से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद शब्बीर अहमद साहब नदवी दामत बरकातुहुम, ये मदरसा इस्लाहुल बनात और मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए हैं, वो नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब जमीयतुल उलमा कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे जफर भाई हैं, मसूद भाई हैं और यूनुस भाई वगैरह हैं और तफीम भाई बेंगलोर के सेक्रेटरी हैं। मौलाना जुल्फिकार नूरी साहब इस वक्त शरीक नहीं है, किसी काम में मसरूफ़ हैं। उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि आप मेरे हवाले से बता दें कि वो हमारे साथ हैं इस कॉन्फ्रेंस में। बात यह है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने यहाँ बड़े जानवर पर पाबंदी लगाई थी और सख्त दफात उसके ज़िम्न में लगा दी थी। वो कानून बना और उस पर सख्ती से खुसूसन इन तीन दिनों में बड़ी सख्ती की जाती रही और जानवरों के लाने ले जाने पर भी और बाद महल्लों में पहुंच करके भी जानवर समेत जो है लोगों को पकड़ा गया और मुकदमा दर्ज किए गए। अब यहाँ हुकूमत वो कानून बनाने वाली हुकूमत तो नहीं रही, हुकूमत बदली जरूर है लेकिन कानून वो अपनी जगह में बाकी है, बना हुआ है, जैसे बना था वैसे बाकी। जब तक वो कानून खत्म ना हो या उसकी दफात हल्की ना की जाए उसके अंदर कोई तरमीम नहीं है। कुछ लोगों ने मुमकिन है ऐसा समझ लिया है कि हुकूमत बदलने से कवानीन भी बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो कानून असेंबली में पास होकर कानूनी दर्जा इख्तियार कर जाता है दोबारा उसको उसी प्रोसीजर से खत्म करना होता है, वो कानून बाकी है। बाद पॉलिसियां हैं वो बदलती हैं, बहरहाल ये कानून अपनी जगह में बाकी है। हुकूमत की तब्दीली से मुतासिर होकर के बहुत सारे लोगों ने उस ममनू जानवर की कुर्बानी करने के लिए आगे बढ़े हैं। हालांकि हमारी शरीयत में बड़ी लचक है, बड़ी वसात है, बड़ी गुंजाइशें हैं। कुर्बानी बहुत बड़ी इबादत है और मुसलमान बहुत जोश खरोश से इस इबादत को अंजाम देते हैं, देना भी चाहिए। इस्लामी तारीख का ये एक सुनहरा बाब है, कुर्बानी अजीम इबादत है। उसके साथ साथ जो है
जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के उन कवानीन पर अमल हमारे लिए जरूरी है जो शरीयत से बराह रास्त टकराते नहीं, या उन कवानीन पर अमल करते हुए हमें अपनी शरीयत पर अमल करने का पूरा मौका मिल रहा है। अब कुर्बानी है, एक जानवर पर अगर ममानात का कानून उन्होंने लगाया है तो हमें अपनी शरीयत पर अमल का पूरा मौका है। शरीयत ने बहुत सारे जानवरों की फहरिस्त दे रखी है, हम इस कुर्बानी वाली इबादत को उस एक जानवर को छोड़ करके इस इबादत को बहुत खूबी अंजाम दे सकते हैं और देना चाहिए। अब एक तो कानून बना है, दूसरी तरफ जो है इस मुल्क में हमारे साथ रहने वाली बहुत बड़ी बिरादरी का ताल्लुक जो है उस जानवर से अकीदत का भी है और बहुत बड़ी आबादी उसको माँ का दर्जा देती है, एक बड़ी आबादी उसको भगवान का दर्जा देती है। तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने साथ रहने वाले मुल्की और बरादराने वतन के जज्बात की भी कदर इस हद तक करें कि अपने मजहब पर अमल करते हुए उनके जज्बात की भी हिफाजत हो जाती है तो भाई वो रास्ता अपनाए। जज्बात को ठेस पहुंचाने से जब बचना हमारे लिए मुमकिन है तो हम वो रास्ता क्यों ना अपनाए, इसकी तरफ भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। हालात मुल्के वो जो है बहुत अच्छे नहीं है और हुकूमत नई नई बदली है, ऐसे मौके पर जो है अगर हमारी तरफ से कोई गलत रुख इख्तियार कर लिया जाए तो उसका नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये बहुत ही मुखलिसाना और बहुत दर्दमंदाना अपील अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो कुर्बानी के इस मौके पर जरूर कुर्बानी वाली इबादत अंजाम दें लेकिन कानून शिकनी ना हो, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने से पूरी तरीके से परहेज किया जाए और अपनी इबादत भी भरपूर तरीके से अंजाम दी जाए। ऐसा बहुत सारे दीनी इदारे मुश्तरका कुर्बानी के नाम से मैदान में आ गए हैं, दीनी और मजहबी इदारे, मतलूबा गैर मतलूबा कुर्बानी को उन्वान बनाया जाता है और इनकी इस पेशकदमी से बाद तुजार भी मैदान में आ गए, इश्तिहारबाजी हो रही। ये इश्तिहारबाजी यकीनन हम ये उम्मीद रखते हैं कि ममनू जानवर वहां कुर्बान नहीं किया जाता होगा, यकीनी तौर से नहीं किया जाता है, लेकिन फिरका परस्तों को फायदा उठाने से रोका भी तो नहीं जा सकता। इस इश्तिहारबाजी से फिरका परस्तों को फायदा उठाने से रोकना मुमकिन नहीं है। जब तक हम रोकने में कामयाब होंगे, हम वजाहत देने में कामयाब होंगे, नुकसान हो चुका होगा। इसलिए इस जाविये से भी दीनी इदारों को इस जिम्न में संजीदगी से सोचना चाहिए, चंद सिक्कों के नफे के खातिर पूरी मिल्लत को आजमाइश में मुब्तला करना ये अकलमंदी नहीं है। इसलिए हमारी ये आज की कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ तंजीमों और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा पर मुश्तमिल ये कॉन्फ्रेंस अपील करती है कि उस ममनू कानून की पूरी रियायत करते हुए अपनी इस कुर्बानी को अंजाम दे और जो कुर्बानी भी देंगे तो सड़कों पर ना हो, पाकी सफाई का ख्याल रहे, खून सड़कों पर बहने न दिया जाए, पास पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए, पाकी सफाई का ख्याल रखते हुए बरादरान वतन को अपनी खुशियों में शरीक होने का मौका फराहम करते हुए अगर हम लोग अपनी इस इबादत को अंजाम दें तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल होगी पूरे मुल्क के लिए। जैसे गुज़िश्ता इंतखाबात में एक मॉडल और नमूने के तौर पर कर्नाटक उभरा है और पूरा मुल्क इसकी तरफ देख रहा है, तो कुर्बानी वाले अमल में भी
कर्नाटक के मुसलमानों को एक मॉडल और नमूना बनकर अपने आप को पेश करने की जरूरत। तो इससे इंशाल्लाह पूरे मुल्क में बहुत अच्छी फिजा कायम होगी और फिरका परस्तों को मौका नहीं मिल सकेगा। इस अमल को जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया पूरी खुशदिली के साथ अदा करना चाहिए। इसको बरादरान वतन को इसके पैगाम को पहुंचाने की भी कोशिश करना चाहिए। आमतौर से वो लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, इस गलतफहमी को भी दूर करने की ज़रूरत है। और उससे पहले हम ही इस बात को और इस कॉन्सेप्ट को कुर्बानी के इस अमल को समझने की पहले ज़रूरत है और दूसरों को समझाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुर्बानी के इस खुशी के दिन, ईद की खुशी के दिन कुर्बानी के गोश्त की तकसीम में अपने बरादरान वतन को भी ज़रूर देना चाहिए। उससे इंशाल्लाह उल्फत, मोहब्बत, हमदर्दी और इससे कोई अच्छा एक पैगाम भी पहुंच सकता है। और इस कुर्बानी के अमल को का कोई अल्टरनेट भी नहीं है, बदल भी नहीं है, ज़रूर इसको करना चाहिए। जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। चूँकि कुर्बानी के अयाम करीब है और कुर्बानी के ताल्लुक से अहम पैगाम हमारे मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी साहब ने दिया है, उसमें बहुत सारी बातें वजाहत के साथ आ गई हैं। हम यही पैगाम देंगे कि जिन जानवरों का ज़बीहा आम दिनों में हमारी रियासत में मना है और पाबंदी है, कुर्बानी के दिनों में उन जानवरों को भी ज़बह न किया जाए और ये कुर्बानी ऐसी कुर्बानी के ज़रिए से ऐसा पैगाम दें जिसमें मिल्लत के अंदर एक पैगाम जाए कि कर्नाटक के मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी भी खुशी के साथ की और कानून का पासो लिहाज भी रखा। चंद लोग जो नादानी में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जानवरों की नुमाइश करना या जानवर लाना, कानून अपने हाथ में लेना है, इस तरह के मसाइल से हालात बिगड़ सकते हैं और मिल्लत को खसारा हो सकता है। चंद लोगों की नादानी की वजह से पूरी मिल्लत को खसारे में डालना यह अकलमंदी नहीं, बेवकूफ़ी है। लोगों को इस सिलसिले में संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। उलमाए किराम की यह कॉन्फ्रेंस पूरी मिल्लत से यह अपील करती है कि आपकी तरफ से कोई भी कदम ऐसा ना उठे जो मिल्लत के लिए इम्तिहान का सबब बने। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। के जिम्मेदार हजरात हैं और हमारे अइम्मा और खुतबा हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो अपने मुसल्लियों तक ये पैगाम पहुँचाएँ। और हमारी जो ईद है वो ईद सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए खुशी का सामान बने। पिछले दिनों में जो एक रिवायत चल रही है, एक रिवाज बनने लगा है कि दूसरों के जो त्यौहार आते हैं तो एक तरह से वहशत पैदा हो रही है और लोग खौफ के माहौल में जीने लगे हैं। हमारी ईद उसके बिल्कुल बरक्स हो और हमारी ईद से दूसरों को एक अच्छा पैगाम जाए, समाज को अच्छा पैगाम जाए और हमारी ईद के दूसरे लोग जिस तरह हम मुंतज़िर रहते हैं, हमारे पड़ोसी भी मुंतज़िर रहें और उनको भी खुशी में हम शामिल करें। ये बातों को हमारे अइम्मा, हमारे खुतबा और समाज के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो नीचे लेवल तक ये पैगाम को ले जाएं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जो लोग मसाजिद के जो जिम्मेदार हजरात हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, मसाजिद के जिम्मेदार जो हजरात हैं वो किसी हद तक महल्ले के जिम्मेदार होते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह नादानी करने वालों पर रोक लगाएं, क्योंकि कल के दिन उनके लिए कोई मसला आता है तो सिर्फ उनका मसला नहीं होता बल्कि पूरी मिल्लत का मसला बन जाता है। इसलिए हमारी अपील सारे ही जिम्मेदारों से है और अल्लाह करे हमारी ये बात उन तक पहुंचे और वो अपने मातहत तक पहुंचाने की कोशिश करें इंशाल्लाह।